नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन जाखा पुल से 20 किलोमीटर दूर मिला शिक्षा विभाग के बाबू का शव। रायसेन जाखा पुल से 20 किलोमीटर दूर तिजालपुर स्टॉप डैम पर 45 घंटे बाद मिला रायसेन जिला शिक्षा कार्यालय में पदस्थ बाबू सिद्धार्थ सिंह का शव। रायसेन के जाखा पुल से लगभग 20 किलोमीटर दूर 45 घंटे बाद तिजालपुर स्टॉप डैम के पास जिला शिक्षा कार्यालय में पदस्थ बाबू भोपाल के न्यू मार्केट निवासी सिद्धार्थ सिंह का शव मंगलवार शाम 5:30 पर मिला है। पुलिस द्वारा वोट के सहारे शव को बाहर निकाला गया। दरअसल कल सुबह रायसेन के भोपाल मार्ग पर स्थित जाखा पुल के पास सिद्धार्थ सिंह की स्कूटी मिलने की सूचना पुलिस को लगी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को सूचना दी थी और उसके बाद पुलिस सहित एनडीआरएफ की टीम द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था। सिद्धार्थ रविवार शाम को अपने घर से निकला था पर रात को घर वापस नहीं लौटा और उसका मोबाइल बंद होने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। सोमवार सुबह मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसकी लोकेशन रायसेन के जाखा पुल पर मिली थी, वही पुलिस ने भी परिजनों को सूचना दी गई थी। मंगलवार को मृतक सिद्धार्थ का शव जिले के सलामतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तिजालपुर के स्टॉप डैम पर खेत में धान लगाने का काम कर रहे कुछ लोगों को दिखाई दिया तो उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। सलामतपुर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह पाल ने बताया, ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस तिजालपुर स्टॉप डैम पर पहुंची और बोट के माध्यम से शव को बाहर निकाला, वही परिजनों को सूचना दी। उसकी 2 साल पहले शादी हुई थी, कोई संतान भी नहीं है। वह रायसेन जिला शिक्षा कार्यालय में सहायक ग्रेड 3 पोस्ट पर पदस्थ था। बाबू सिद्धार्थ सिंह का शव 48 घंटे बाद जिले के सलामतपुर थाना क्षेत्र पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने कल पूरे दिन और मंगलवार दिन भर सर्चिंग अभियान चलाया था जाखा पुल से लगभग 20 किलोमीटर दूर। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट।